फाइनली गाइज अभी हम आगे चल रहे हैं अभी सफर में, और यहाँ से बहुत ही दिलचस्प चीज़ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। वो हम यहाँ पर उस पत्थर को यहाँ दिखाने वाले हैं जो भैया जोगी जयपाल ने जो है बार किया था, और वो पत्थर जो है सिर्फ दो उंगलियों से जो रोक लिया था, उस पत्थर को यहाँ पर अभी हम दिखाने वाले हैं। फिलहाल उस पत्थर की जानिब चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू उसका, क्या वो है, किस टाइप का पत्थर है वो। तो फाइनली गाइज ये वही पत्थर है जो भैया जोगी जयपाल ने जो है जादूगर जयपाल ने जो है आपके ऊपर बार किया था, और इसी पत्थर से जो है बार किया था। फिलहाल ये पत्थर यहीं पर अभी अवेलेबल, और यही पत्थर है जो दो उंगलियों से लिया था, वही पत्थर है। ये टोटल बहुत बड़ा पत्थर है, लगभग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैं इसका वजन भी अकल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही बड़ा पत्थर है, और काफ़ी लोग इसकी ज्यारत भी कर रहे हैं। और कहने का मतलब कुछ लोगों का यहाँ पर अलग अलग व्यू है, तो बहुत अच्छा सा बहुत बड़ा पत्थर है। फाइनली ये यहाँ पर मैंने दिखाना इसलिए ऑब्वियसली ज़रूरी था क्योंकि भैया काफ़ी लोगों के इस पत्थर के बारे में जो है सुना होगा, किस्से वगैरह सुने होंगे और किस के बारे में लगभग पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ये पत्थर आपने सुना होगा इसके बारे में। तो तो फाइनली गाइस अभी हम चल दिए हैं भैया जो है पत्थर की ज़ियारत करने के बाद में, अभी हम नीचे के व्यू तो जा ही रहे हैं, आपको पता ही होगा वैसे काफ़ी लंबा रास्ता है और काफ़ी जो है रास्ते से थक भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली जिसके जो है कदमों में जाना भाई चल सकता है क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत कुछ कुर्बान करते हैं लोग, तो यहाँ से हमें इतनी सी छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर ऑब्वियसली कुर्बान कर सकते हैं। फाइनली अगर हम चलते हैं तो इसमें कहने का मतलब यह है कि ऑब्वियसली जो मेरे साथ के जो मेरे साथ की जो फैमिली थी, यानी कि मेरी जो फैमिली थी यानी कि बुआ जी ताऊ जी नानी जी जो भी हैं फिलहाल, वो अभी आगे निकल चुकी है और मैं काफ़ी जो है रुका हुआ था। फाइनली यहाँ पर लास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे हमें व्यू देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर वो ऐसा वो ऊँट वगैरह पर अगर किसी को फोटो वगैरह सेल्फी लेनी होती है तो ये ऊँट भी होता है। वैसे फाइनली कई जगह हमें यहाँ पर ये वगैरह वगैरह के ऊँट जो है सेल्फी वगैरह, क्योंकि लोगों ने कुछ लोगों ने यहाँ पर धंधा इसे को बना के रखा है भाई, ऑब्वियसली भाई खाने कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत रहता है। तो फाइनली अभी नीचे की व्यू तो हम चल ही रहे हैं,